हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट के उड़ान बैच में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पेपर के रिगार्डिंग आने वाले क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, ये डे टू है। आज डे टू का हम आपको क्लास पढ़ाएंगे और डे टू में हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों रेशियो की। किसकी बात कर रहे हैं? रेशियो की। और ये बैच यूपी टेट को टारगेट में रख के बनाया गया है और इसको टारगेट में रख के ही हम पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बिल्कुल एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं और 30 में से 30 नंबर पक्के करें। अगर आप चाहते हैं आपके यूपी टेट में 30 में से 30 नंबर आए पूरे के पूरे, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है, एक त्रिभुज के कोण का अनुपात, एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। तो अब आप देखो, 2 है 3 है 5 है, और इसको मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। तीन कोण होते हैं एक त्रिभुज में, हाँ कि ना? सपोज करिए ये ए है, एंगल मान लो, ये बी है और ये सी है, तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तो इसे मान लिया 2x, एक कॉमन पार्ट होगा। जिसको नहीं पता है वो कल की क्लास को, डे वन की क्लास को जरूर से जरूर देखे मेरे भाई। 5x तो कॉमन पार्ट ये हो गया मेरे भाई। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान किसके बराबर होता है मेरे भाई? 180 डिग्री। किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, हमने कर लिया। 3 2 5 5 10, 10x बराबर 180 डिग्री के। तो x बराबर आप कहोगे सिंपल है, 180 बटा 10, इससे इसे काट दिया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? आप कहोगे 18 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अब कह रहा है सबसे बड़ा कोण बताएं। सबसे बड़ा क्या है? 5 है ना, 5x है ना सबसे बड़ा। तो हमने कहा 5x की वैल्यू कितनी होगी? 18 पंजे 90। तो कितना आएगा मेरे भाई? 90 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपके ये चीज क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्तों। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 3:4 है। 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के का अनुपात, तो हमने लिख लिया, क्या लिख लिया मेरे भाई? 1 रुपए और 50 पैसे। अच्छा मेरे दोस्तों, ये 1 रुपए है, इस रुपए में तो ये एक ही है, हम इसे रेट्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। 50 पैसे को 1/2 रुपए लिख सकते हैं, हाँ कि ना? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना मेरे भाई। अब अनुपात दे रखा है 1 रुपए का 3 है, 3 लिख दिया। सिक्कों का अनुपात हमने लिख दिया और ये 4 है। तो अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हुए, अगर 1 रुपए के 3 सिक्के हुए तो कितने हो गए? 3 रुपए हो गए कि नहीं हो गए टोटल? या 50 पैसे का या आधे रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने हो गए मेरे भाई? 2 सिक्के हो, 2 रुपए हो गए टोटल। तो कुल रुपए, कुल रेट्स आप कहोगे 3x+4x कॉमन पार्ट है, एक्स तो कॉमन पार्ट होगा कि नहीं होगा? सॉरी, 3x+2x टोटल 5x। बच्चे 5x कहीं ना कहीं बराबर कितने के? 45 रुपए के, हाँ कि ना? होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाली 45/5, 5 नेम 45, x की वैल्यू आ गई 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई, अब कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो सिक्कों की संख्या है कितनी 50 पैसे के? देखो सिक्के कितने? 4 हैं 50 पैसे के, कितने सिक्के? 4। तो
तो 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो हम कहेंगे 50 पैसों के सिक्के कितने हैं? 4 × 9 36, 9 × 4 = 36 मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके समझ आई बात? क्लियर हो गई आपके? कोई डाउट है तो बताएं, कमेंट करें डाउट है तो, नहीं तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास थैले में 1 रुपए 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 120 है तो किसान के पास गायों की संख्या क्या होगी? तो मेरे दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिए, गाय है और मुर्गे हैं, तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4। और मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 4 पैर वालों की संख्या, क्या होती है मेरे भाई? 4 पैर वालों की संख्या क्या होती है मेरे भाई? वो होती है आपकी पैरों की कुल संख्या बटा 2 - सिर। पैरों की कुल संख्या बटा 2 - सिर। तो यहां से हमने इस फॉर्मूले का यूज करा, तो पैर कितने हैं? आप कहोगे पैरों की संख्या 120 है, 120 बटा 2 - सिर कितने? 48। इससे इसे काटा आ गया 60। 60 - 48 मेरे भाई तो कितना आया? 60 - 48 मेरे भाई तो कितना आया? 12। तो गाय की संख्या कितनी आ गई मेरे बच्चे? 12 आ गई। बहुत सिंपल तरीके से हमने समझाया क्या कि 4 पैर वालों की संख्या बराबर होता है पैर की संख्या का आधा माइनस सिर की संख्या। अब दोस्तों ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं लगाना है, तो हम आपको समझाते हैं। बच्चे जो सिर होते हैं, जैसे गाय है अब मुर्गा है, तो गाय के पैर 4 और मुर्गे के पैर 2, पर दोनों के सिर कितने होते हैं? आप कहोगे एक एक। सिर तो एक एक होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो हम मान लेंगे जितने सिर उतने जानवर होंगे टोटल, हाँ कि ना? अगर एक गाय है और एक मुर्गा है तो एक एक सिर, दोनों दो जानवर हुए कि नहीं? वैसे हम मान लेंगे कि 48 टोटल जानवर हैं, 48 टोटल जानवर हैं। अब इसमें से मेरे भाई कह रहा है 120 पैर हैं, क्लियर? तो गाय के कितने पैर होते हैं? आप कहोगे गाय के 4 पैर होते हैं, अब मुर्गे के 2 पैर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? पर अगर मैं मुर्गे के, सॉरी गाय के भी 2 + 2 पैर लिख दूं तो कोई दिक्कत? गाय के इन 2 पैरों को छोड़ दिया तो इन दोनों के ये दो दो पैर कॉमन है, तो 2 पैर मुर्गे के पास, 2 पैर गाय के पास, तो टोटल 48 जानवर में पैर कितने होंगे? तो आप कहोगे 96 पैर। कितने पैर हो जाएंगे? 96 पैर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल। और अगर 96 पैर हो जाएंगे और मेरे हिसाब से टोटल थे 120 और हमने निकाला 96, तो बचे कितने? 4 और 24, 24 बच गए। ये 24 पैर क्यों बचे? 24 पैर क्यों बचे? तो आप कहोगे इसलिए बचे सर क्योंकि गाय कितनी है? गाय के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। तो अगर गाय के 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो हम कैसे करेंगे कि देखो टोटल पैर कितने एक्स्ट्रा है? 24। और गाय के, एक गाय के 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 24 पैर कितनी गाय के एक्स्ट्रा होंगे? 12 गाय के। तो हमारी गाय की संख्या कितनी आ गई? 12।
बात समझ में आई। तो ये तो हम अपने ट्रिक से कर सकते हैं, और आपको हमने इसका फॉर्मूला भी बताया मेरे भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 65,000 रुपए की राशि को पी क्यू आर में, 65,000 रुपए की राशि को पी क्यू आर में, अब पी है, क्यू है, आर है, 1/2, 1/3, 1/4 में मेरे भाई बांटा। तो कह रहा है पी का मान बताएं। अब देखो, जब बटे में होता है तो करो क्या, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो मेरे भाई? एलसीएम। तो एलसीएम 2, 3, 4 का कितना आया? 12। एलसीएम कितना आया? 12। नहीं आता तो देख लो, नहीं आता तो देख लो, 2 से भाग कर दो, 2 एक कम 2, 3, 2 दुनी 4। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 3 दुनी 6 दुनी 12, तो एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करो दोस्तों, 12 से इसकी मल्टीप्लाई करा दो। तो 12 × 1/2 अनुपात 12 × 1/3 अनुपात 12 × 1/4, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया 6 4 3 का अनुपात। आई होप समझ में आया होगा। अब था 6,500 रुपए, कितना था मेरे भाई? 6,600 रुपए। कितना था? 6,600 रुपए टोटल। तो यहां से पी को हमने 6, और एक कॉमन पार्ट होगा 6x, क्यू को 4 कॉमन पार्ट होगा +4x, और आर को 3x, बराबर कितने के? 6,500 के, क्योंकि इन तीनों की जोड़ी तो 6,500 है। 13x बराबर 6,500 के मेरे भाई। तो x बराबर 6,600/13, 13 × 5 65, 500। एक्स की वैल्यू आ गई 500। अब कह रहा है पी का बताओ, तो पी है कितना? 6x। देखो पी कितना था मेरे भाई? 6x। अब निकालो 6x की वैल्यू, 1x 500 है, तो 6 × 500 3,000। कितना आया मेरा भाई? 3,000। क्लियर होती है बात? आपके समझ आती है? कोई डाउट हो तो हमसे पूछो, कमेंट करो, नहीं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। कह रहे 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्या क्या होगी? 3x और 4x, हाँ कि ना भाई? कॉमन पार्ट होगा। अब 5 जोड़ दो प्रत्येक संख्या में, जोड़ दो, 3x+5, 4x+5, तो अनुपात कितना हो रहा है? 7:9। जो देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चे? अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 27x+45, 27x+45। कैसे? 9 3 27, 9 5 45, सेम 7 यहां जाएगा, 7 6 28, 7 5 35। अब तुम देखोगे 27x को इधर भेज दो, 35 को इधर भेज दो, तो 45 - 35 बराबर 28x - 27x। क्लियर है ना यहां तक दोस्तों? तो आप क्या कहोगे कि 28 में से 27 गया तो 1x बचा, 45 में से 35 गया तो 10 बचा, हाँ कि ना? x की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहा है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। अब हमें छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या है कितनी? 3x, 3x बराबर 10 × 3, 10 3 30 मेरे दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक चीज और है, ये तो हमारा 30 इसका आंसर आ गया, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताएंगे। पर दोस्तों मैं आपको इसी के संग एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। दोस्तों आप 10 मिनट की वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है? और पूरे दिन में न जाने अपना कितना टाइम, कितना समय वेस्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात तो आप समझ लो,
अगर टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सफल होना है तो टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो उसमें आपके बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखो। अब देखो, दो तरीके की ट्रेनें होती हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। एक होता है पैसेंजर और एक होती है एक्सप्रेस। बच्चे, पैसेंजर हर स्टेशन पे रुक के जाती है, ठीक है, स्टेशन है। एक्सप्रेस तो सीधे निकल गए, पैसेंजर गई यहां से यहां, ठीक है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। टाइम तो लगा पर उसने सीखा बहुत कुछ, एक्सप्रेस सीधा निकल गई, टाइम तो बचाया पर सीखा कुछ नहीं। तो अगर बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अपने टाइम का सही जगह यूटिलाइजेशन करो। आप वीडियो को पूरा देखें, और मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो को, मैं कह रहा हूं कोई भी एजुकेशनल वीडियो। बच्चा एजुकेशनल वीडियो स्किप करता है, तो मैं हर एजुकेशनल वीडियो की बात कर रहा हूं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं दूसरे तरीके से। कह रहा है 3:4 है दोस्तों, ट्रिक से बता रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अब मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, अगर हम एक सेम टाइप की चीज बढ़ाते हैं, तो इनका अंतर एक का है और इसका अंतर दो का है, बराबर होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? अंतर बराबर होना चाहिए। यहां तक समझ में आई होगी बात, आए हो? तो हम करेंगे क्या, यहां पे एक है, यहां पे दो है, इस अंतर को बराबर कर लो, ऊपर वाले में दो से गुणा। जब यहां दो से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3×2, 4×2, नीचे वाला तो ऐसे ही लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3×6, 4×8, और मेरे भाई नीचे वाला तो 7:9 लिखा है। अब बताओ कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, इधर से कितना बढ़ाया, एक बढ़ाया, दोनों में देखो एक जैसी एक एक बढ़ाई, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे 5 है सर, क्योंकि वो कितना बढ़ा रहा है, 5 जोड़ रहा है। हम एक एक जोड़ लेते क्या फर्क पड़ता है, हम एक एक जोड़ लेते, वो 5 जोड़ रहा है, इसका मतलब एक यूनिट 5 के बराबर है। अब मेरे साथियों, मेरे शेरों, यहां पे अगर आप देखो कि हमें निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी, 6 है ना, 6 है ना मेरे भाई, तो एक यूनिट 5 के बराबर, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6×5, 5×6=30 मेरे भाई, बिल्कुल सही, 5×6=30। क्लियर होती है बात आपके? कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे चले। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अगला क्वेश्चन बोल रहा है 40 लीटर के नमक एवं पानी के मिश्रण में, नमक व पानी 2:3 में है। तो नमक है और क्या है, पानी, कितने के अनुपात में, 2:3 में। यहां तक समझ आती है बात? तो नमक हो गया 2x, पानी हो गया 3x, एक कॉमन पार्ट होगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मिक्सचर बन जाएगा बराबर 40 के, 5x = 40 तो x = 40/5, 5×8=40, x की वैल्यू 8 आ गई। तो मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी की कितनी मात्रा है, आप कहोगे 3x है, अगर x 8 के बराबर है तो 3x 8×3, देखो x से 3x तक जाने के लिए 3 से गुणा करी, तो 8 में भी 3 से गुणा कर दो, 8×3 कितना आता बच्चे, 24। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आपके आई? चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनका गुणनफल 96 है। हमने कहा कोई बात नहीं, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यस और नो, 2:3
तो पहला नंबर होगा कितना, आप कहोगे 2x, और दूसरा नंबर कितना होगा, आप कहोगे 3x। कह रहा है गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, हमने कर दी। 2x गुणा 3x बराबर 96 के गुणनफल है 96। तो 6x, यहां पे 1 पावर, यहां पे 1 पावर, तो एक एक एडू 2 हो गई 96 के। तो यहां से बच्चे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 96 बटा 6 16 आती है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, ये अंडर रूट 16 का मतलब कितना, रूट 4 गुणा 4, दो के पेयर से एक बार आया, चार बार आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई मेरे बच्चे। अब x की वैल्यू 4 आ गई, पूछा क्या है, बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कौन सी है, 3x। तो अगर x 4 है तो 3x कितना होगा, 4 गुणा 3 12। 12 मेरा इस क्वेश्चन का क्या है भाई, आंसर है। 12 क्या है भाई, आंसर है। देखते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता जरूर है, पूछा जाता है। देखो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कह रहा है x अनुपात y, 7:5 है, आप कहोगे क्या, यहां से कहोगे x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5 है। भाई पहले 7 लिखा है तो वह x होगा, क्योंकि यहां पहले x लिखा है, यहां बाद में y लिखा है तो 5 हो जाएगा। तो मैं कह दूं x बराबर 7 और y बराबर 5। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 49+25 अपॉन 49-25। हां कि ना दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो ऊपर आपका हो कितना गया, आप कहोगे 74, 49+25 74 बटा 49-25 24। दो से काट दो, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया, 37:12 आ गया मेरा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 37:12 होगा। समझ आती है बात आपके, और बच्चों अगर समझ आ रहा है तो दोस्तों में शेयर करिए इसको, आप अपने परिवार को बढ़ाइए, जितना ज्यादा आप अपने परिवार को बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, आप अपना में प्यार देंगे, उतना ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे और मेहनत करेंगे आपके संग। और आप खुद देख रहे हैं, इतना बेसिक से कोई आपको पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, हर एक चीज को क्लियर कर रहे हैं आप। देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सेम है, पी अनुपात क्यू 4:5। तो आप क्या कहोगे, यहां से पी 4 है और क्यू 5 है, क्योंकि पी पहले लिखा है और 4 पहले लिखा है तो पी 4, क्यू बाद में लिखा है, 5 बाद में लिखा है तो क्यू 5। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 5 की वैल्यू निकालनी है। यहां से हमने कह दिया पी 4 और क्यू 5 है, वैल्यू उठा के रख दो, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अपॉन 5। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 5। सॉरी दोस्तों, यहां पे 3 है, 5 नहीं है, 3 है, तो आप भी यहां पे 3 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। अब 16 और 9 कितना होता है भाई, 25, नीचे लिखा 25। समझ आती है आपके, कुछ तो बोलो मेरे भाई, आती है कि नहीं आती है, आप जहां कहीं भी बैठे हैं, जब मैं आपसे पूछता हूं समझ आती है तो आप बोलिए हाँ सर आती है। देखो कतई फील करो इसको कि मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन बैच में,
ठीक है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी अगर आप इसको फील करोगे ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा हूं तो। 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, तो कितनी वैल्यू आई, 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा है पी अनुपात क्यू 4:3 है, तो हमने कहा पी 4 होगा क्योंकि पी पहले आया है, 4 पहले आया है, क्यू बाद में आया है, 3 बाद में आया है, तो क्यू 3 हो जाएगा। अगर पी 4 और क्यू 3 है तो जो वैल्यू पूछे इसमें रख दे, पी की जगह पे 4 का स्क्वायर, क्यू की जगह पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 से कटा 5, आंसर हमारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के संग। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।